करोड़िया, तू सोच भी नहीं सकता उर्मिला बेन शाह को धोखा देने का क्या परिणाम हो सकता है। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाना। करोड़िया से अपना बदला भी ले लिया और ऊपर से ये मुफ्त के 50,000। उस करोड़िया को तो हार के पैसे भी नहीं मिलने वाले, तो वो क्या मुझे मुनाफे में से हिस्सा देगा? पर मैंने, उर्मिला बेन शाह ने अपनी कलाकारी से ये 50,000 एडवांस में ही ले लिए। इसे कहते हैं नहले पे दहला। गणपति बाप्पा। आज बहुत दिनों के बाद आज का ये बड़ा और शुभ दिन आया है। काफी कष्टों के बाद हमारे परिवार में ये खुशियां वापस लौट आई है और ये सब विघ्नहर्ता गणपति बापा की कृपा से। घर तो वही है। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। तुम्हें पाछा आविया? लगता है ये लोग तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। वो कोकिला। अरे वो कोकिला नहीं, वो काठियावाड़ की रानी है। रानी आई बात समझ में? बात करती रही, पागल औरत फिर से यहीं आ गई। ओ मैं पागल नहीं हूँ, पागल तो आप हो आप। ए पचास तो लगे, एक बात बोलू, सुबह सुबह शुभ काम के लिए आया हूँ, दिमाग मत खराब कर मेरा, कर जा, तुमने कर जा। अरे तुम तो पहले से ही बेवकूफ हो और ये लोग तुम्हें और भी ज्यादा बेवकूफ बना रहे हैं। अकलमंदों की रानी, पचास तो लगी, एक बात बोलूं, जब तक तो कोई सलाह ना मांगे तो सलाह मत दिया कर, जा अपने घर जा। सारू जाओ, जो तुम्हारी बुद्धि में आए वो करो और मरो। अरे जाना है, बात करते हैं। ओ भाई दरवाजा खोलो 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 खोलो। दोनों खुश थे? अखंड सौभाग्यवती भव, सदा खुश रहो, सुखी रहो। रानी जी, काले कोट वाले भाई साहब।
अरे गरोड़िया भाई, मोड़ू तो बंद करो, ऐसे क्या देख रहे हो? आजू रानी जी नहीं, कोकिला बेन मोदी। ये इनके पति पराग भाई मोदी। ये कोई जवेरी बवेरी नहीं है, ये सेवक राम। बड़ी चाय बनवा के पी है ना इसके हाथ से। ये अहम गोपी का पति। नाम क्या तेरा? सेव। सेव? नहीं सेव, सेव नहीं, सेवक राम। ये मेरी बेटी राशि। हमें लगता है कि हमें किसी से भेंट नहीं करनी है, तब हमारी सहाई का उनसे भेंट करती है। और ये मेरे जवाई जिगर जी। अरे ये रानी जी का अंगरक्षक। ये हमारी माँ। लाठी याद आई। और ये मेरे वेवाई जी चिराग मोदी। ये भी कोई जवेरी ववेरी नहीं है, ये है इनके पति। इन्हें देख के कुछ याद आया भाभी? तुम अच्छा भाभी। हाँ वो तो मैं हूं ही, पर उर्मिला बेन शाह पंचू तुम्हारा मित्र नी धनियाणी। अरे गरोड़िया जी मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? 50 तोले की बात बोलो, मैं तो धवल ही हूँ। तमें शु समझता था कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम लोगों ने मेरे साथ मिलकर नीच खेल खेला है। गलत, एकदम गलत कह रहे हैं आप राम जी भाई। हमने कोई नीच खेल नहीं खेला है। जैसा आपने बोया वैसा ही आपने पाया। अगर आप बुरा करोगे तो पलटकर बुराई ही आपके पास लौटेगी। रे गरोड़िया, तुम्हारे आटली बद्धी हैरान थवानी कोई जरूरत नहीं। तुमने हमारी गोपी बहू को जो धोखा दिया वही धोखा हम सब ने मिलकर तुझे लौटा दिया, छल के बदले छल। समझी गया तुम्हें? राम जी भाई एक मिनट, आता हूं। ये लीजिए अपने पैसे और हमें वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर वापस दीजिए जिसके ऊपर आपने गोपी के साइन करवाए थे। और एक स्पष्ट बात कान खोल कर सुन लीजिए राम जी भाई, भगवान का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हम चाहते हैं मात्र हमारी गोपी वह की खुशी, हमारे परिवार की खुशी। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बल्कि हम ऐसा ही करेंगे। अहम, ये पैसे रखिए और धोखे से जो आपने मेरी गोपी वहू से हस्ताक्षर करवा कर जो अनुबंध अपने पास छुपा कर रखा है वो हमें वापस चाहिए। राम जी भाई, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा, और किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप, और आपने वही किया।
चलते बनिए यहां से। और याद रहे, हमें हमारा अनुबंध आपको किसी भी कीमत पर लौटाना ही होगा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात, मेरा वकील आपके पास आएगा तो मेहरबानी करके उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर वापस दे दीजिएगा, समझ गए? मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि आप लोगों ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ए रामजी भाई, चल चल, अबे शांति थी, घर निकल, चल जा।